ओम विश्वानि देव सवितर दुर्गानि परासु यद भद्रम तन्नासु। प्रिय बंधुओं, पुरुषोत्तम माह में भगवद्गीता के का जो प्रवाह है कर्म का, उसका उसके तहत उसके अंतर्गत 6 अध्यायों के श्लोकों का संगीतात्मक पारायण का प्रक्रम चल रहा है। आइए 6 अध्याय के जो कुछ श्लोक बचे हैं उनका पारायण करें। अर्जुन वाच योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन संबोधन कहा है। मधु नामक दैत्य का नाश किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए मधुसूदन है। मधुसूदन कृष्ण यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः, यह योगः त्वया साम्येन प्रोक्तम् प्रोक्तः। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, जो यह योग कर्मयोग आपके द्वारा साम्य के द्वारा समता के द्वारा समत्व बुद्धि के द्वारा कहा गया है, एतस्य अहम न पश्यामि, किंतु मैं इसे नहीं देखता हूँ। चंचलत्वात्, चंचल गुणत्वात्, चंचलता गुण किसका है? मन का। मन की चंचलता के कारण मैं स्थितिम स्थिराम योग में इस स्थिर स्थिति को नहीं देख पाता हूँ। इस समत्व योग में व्यक्ति स्थिर कैसे रहे, अचल कैसे रहे? हे कृष्ण, मन तो चंचल है, मन भागता रहता है विषयों में, कैसे उसको स्थिर किया जाए? अर्जुन पुनः कहता है, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता हुआ, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चंचलम ही मनः चंचलम, मन चंचल है, अत्यधिक चंचल है, वेगवान है, यहाँ वहाँ जाता जाता रहता है, चलायमान है, प्रमाथी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, मत कर रह कर रख देता है इंद्रिय और विषयों को, जैसे मथनी मथनी जैसे हिला देती है ना सबको, वैसे ही मन भी इंद्रियों को विषयों को मैं इस तरह से मत देता है। तो प्रमथन स्वभाव वाला है और बलवत दृढ़म है, बलवान है, बहुत दृढ़ है। तस्य निग्रह अहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, तस्य निग्रहम, उसका निग्रह, उसको वश में करना मैं मानता हूँ वायु के समान, सुदुष्कर है। वायु इविति वायु रिव, वायु के समान, पवन के समान, यह मेघ बड़ा, हाँ यह मन बड़ा सुदुष्कर है, उसको वश में रखना कठिन है। जिस प्रकार वायु को नहीं बांधा जा सकता है, वैसे ही मन भी सुदुष्कर है, उसका निग्रह नहीं किया जा सकता। हे कृष्ण, श्री भगवान वाच, अर्जुन के स्वाभाविक प्रश्न पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। महाबाहो संबोधन है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए। हे महाबाहो अर्जुन, असंशयम, न संशयम, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, निसंदेह मन किमस्ति? दुर्निग्रहम चलमस्ति, दुर्निग्रहमस्ति। एतत् मनः, मनः किमस्ति? अयं मनः दुर्निग्रहम चलम, ये मन दुर्निग्रह है, आसानी से वश में किए जाने योग्य नहीं है। चलम इति चंचल है, चलायमान है। किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, पहले पंक्ति महाबाहो, दूसरी में कौन्तेय, हे कौन्तेय पुत्र, हे कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य से, सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से, विराग का भाव, विशिष्ट राग, राग से ऊपर जो विशिष्ट राग है वैराग्य, उस वैराग्य से यह ग्रहण किया जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का आशय श्लोक में। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, असंयतात्मना अर्थात जिसने अपने मन को वश में नहीं कर रखा है, जिसने मन को नहीं जीता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह योग दुष्प्राप, मे मति इति दुष्प्राप, मेरे अनुसार, मेरी मान्यता है कि उसके लिए जिसने अपने आप को वश में नहीं किया है,
उस व्यक्ति के लिए ऐसा योग दुष्प्रापासनी से प्राप्त होने योग्य योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि वशात वशात्मना येन आत्मना वशीकृता, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को मन पर विजय पा ली है, वह प्रयत्नशील व्यक्ति शक्यो अवाप्तुम उपायतः, उपाय से प्रयत्न करते हुए इस योग को आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये भाव है 36वें श्लोक का। 37वां श्लोक देखते हैं। अर्जुन वाच अयति ही श्रद्धयोपेत योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। अयति न यति इति अयति, कितना बढ़िया शब्द आया है। जो यति नहीं है वो अयति, अयति श्रद्धा उपेत, किंतु श्रद्धा से उपेत मतलब युक्त है, जिसके अंदर श्रद्धा तो है किंतु जो यति नहीं है। यति का मन सन्यासी होता है, लेकिन यहाँ सन्यासी न होकर के यति का अर्थ है संयमी, ये अर्थ करना होगा। जो संयमी नहीं है, जिसने संयम नहीं किया है, किंतु जो श्रद्धा में है, श्रद्धा से उपेत है, गुण संधि योगा चलित मानस है, और फिर जिसका मन चलित मानस है, अर्थात चंचल योग से चलित मानस है, चलायमान है, अर्थात विचलित है, योग से जिसका मन विचलित हो गया है, चलित हो गया है, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, योग संसिद्धिम अप्राप्य, न प्राप्यति अप्राप्य, योग सिद्धि को, योग की परम सिद्धि को, अर्थात भव साक्षात्कार को, परम ब्रह्म की प्राप्ति को न पा करके, परम ब्रह्म को न पा करके, आत्म साक्षात्कार न प्राप्त करके पुनः काम गतिम गच्छति, तस्य का गतिर्भवति। हे कृष्ण, दो बातें आई, स्वाभाविक प्रश्न है, जिसके अंदर श्रद्धा है लेकिन जो संयमी नहीं है, और योग से ऐसा अभ्यास करते करते जिसका मन अंतकाल में क्या हुआ, योग से हट गया, विचलित हो गया, वह योग के उस पूर्णत्व को न प्राप्त करके पुनः कहाँ जाएगा, क्या दशा होगी? हे कृष्ण, ये बताइए जरा। भगवान को बार बार प्रश्न करते हुए यहां पुनः कहते हैं, यहां फिर महाबाहु आया है, इसलिए पुनः ये अर्जुन का ही है। वैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह विशेषण अर्जुन के लिए कहा है, लेकिन यहां ये लगातार श्लोक है 38वां छठे अध्याय का, इसमें अर्जुन ने पहली बार श्री कृष्ण के लिए महाबाहो विशेषण दिया है, अर्जुन के द्वारा ये कहा गया श्लोक है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना ब्रह्मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। क्या महान श्लोक है, क्या कच्चित इति क्या, उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के, पहले शब्दार्थ देख लें, छिन्न अभ्रम इव, छिन्न अभ्रम इव, छिन्न मतलब टूटे हुए, अभ्रम इति बादल के समान, नष्ट हो होता है, विनष्ट हो जाता है, कौन, अप्रतिष्ठ विमूढ़ ब्राह्मण पथि, हे महाबाहो, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी भुजाएं विशाल थी, कृष्ण भी बहुत बड़े योद्धा थे, अर्जुन ने पहली बार कृष्ण के लिए महाबाहो विशेषण दिया है कि हे महाबाहो ब्रह्मण पथि, ब्रह्म के पथ में, ब्रह्म के पथ में का तात्पर्य है भगवत प्राप्ति के मार्ग में, योग प्राप्त योग मार्ग में, पथि का मतलब पथ में, सप्तम एक वचन, परम ब्रह्म के इस साधना पथ में मार्ग में विमूढ़ और अप्रतिष्ठ, विमूढ़ का तात्पर्य मोहित हुआ, जो मोह के दलदल में फंस गया, और जो अप्रतिष्ठ है अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, जो आश्रय नहीं मिल पाया जिसको, हे महाबाहो, क्या वह दोनों ओर से विभ्रष्ट होकर के नष्ट हो जाता है छिन्न बादलों की तरह। अब यहाँ एक उपमा दी है, छिन्न अभ्रम इव किम सह नश्यति,
उभय विभ्रष्ट का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों ओर से नष्ट कैसे होता है बादल, देखते हैं इसको, कि छिन्न अभ्रम। छिन्न अभ्रम मतलब किसी बड़े मेघ से कोई छोटा मेघ टूटकर अलग हो जाए तो वह छोटा मेघ बड़े बादल से, बड़े मेघ से टूटकर दूसरे किसी बादल में मिल नहीं पाता है, पहले वाले से टूट गया और किसी बादल में मिल नहीं पाएगा तो वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो फिर उस बादल में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो दोनों ओर से बड़े से भी टूट गया छोटे में मिल नहीं पाएगा, आकाश में ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यहाँ ब्रह्म मार्ग में साधना करते हुए जो मोहित हो गया और जिसको कोई आश्रय नहीं मिल पाया तो उस टूटे हुए बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, ऐसा साधक कहीं नष्ट तो नहीं होता है ब्रह्म मार्ग में? अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न है, बड़ी सुंदर तुलना है। कच्चित न उभय विभ्रष्ट, क्या कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता है, ऐसा प्रश्न है। अर्जुन पुनः कहता है, तन्मे संशयम कृष्ण चेत्तुम रहस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य चेत्ता न युपपद्यते युपपद्यते। एतत् मे संशयम कृष्ण, हे कृष्ण एतत् मे संशयम, यह मेरा संदेह है, संशय है, चेत्तुम रहस्य अशेषतः। और अरहस्य इति योग्य हैं आप, समर्थ हैं, अशेषतः चेत्तुम, मैं संशयम अशेषतः चेत्तुम, मेरे संदेह को, मेरे संशय को पूरी तरह से छेदने के लिए, मेरे संदेह को पूरी तरह से दूर करने के लिए आप समर्थ हैं, हे कृष्ण आप ही समर्थ हैं। त्वदन्य संशयस्य अस्य चेत्ता न ही अवहु उपपद्यते, त्वदन्य अस्य संशयस्य चेत्ता, आपके अतिरिक्त इस संशय का चेत्ता, इस संशय को दूर करने वाला नहीं है कोई, जैसे आप हैं मेरा, आप संदेह, आप मेरे संदेह को दूर कीजिए, हे केशव हे कृष्ण। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? श्री भगवान वाच, पार्थ नैवेह नावुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, न एव इह न अमत्र विनाशः तस्य विद्यते, न एव इह, न तो इह का तात्पर्य इस लोक में, न तो उसका इस लोक में विनाश होता है, न अमत्र, अमत्र का तात्पर्य है परलोक, न इस लोक में न परलोक में, उस व्यक्ति का जिसकी बात चल रही है, जो मोहित होकर के, आश्रय रहित होकर के भटक गया है, योग मार्ग से जिसका मन चलित हो गया है, वो दुर्गति उसकी होती है, वो नष्ट हो जाता है क्या? भगवान कहते हैं न तो उसको इस लोक में नाश होता है, न परलोक में विनाश होता है, दोनों लोकों में उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, अर्जुन के लिए तात शब्द का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण, इसकी व्याख्या बात भी करते हैं, तात क्या होता है? हे तात, कल्याणकृत अर्थात कल्याण, कल्याण करने वाले, कल्याण किसका कल्याण? आत्मोद्धार, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न करने वाले, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति का कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, ऐसा आत्मकल्याण में प्रवृत्त होने वाला साधक किसी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है अर्जुन। हे तात, तथा जिसने थोड़ा सा भी साधन किया है इस आत्मज्ञान में, कर्मयोग में प्रवृत्ति की है, उसका नाश नहीं होता है, उसका फल कहीं ना कहीं मिलना है। तो क्या तात क्यों कहा है? तात शब्द का आदि शंकराचार्य ने इसकी व्युत्पत्ति बड़ी सुंदर की है, तात बहुधा आया है, बहुधा तात का मतलब तनुते विस्तार्यते इति तात, जिसके द्वारा विस्तार होता है वो तात, अर्थात पिता के लिए अमूल शब्द आता है तात। तात श्री महाभारत में भीष्म पितामह को तात श्री कहते हैं, तो लेकिन तात का तात्पर्य पिता के लिए भी आता है, पिता पुत्र के लिए भी इसका प्रयोग करता है, क्योंकि पुत्र फिर आगे जा करके उस वंश को आगे बढ़ाता है, विस्तार करता है उस वंश का, पिता पुत्र के लिए भी करता है, पिता के लिए भी होता है, गुरु शिष्य के लिए भी करता है तात का प्रयोग, क्योंकि उस ज्ञान को, उस
विद्या परंपरा को वो छात्र आगे जा करके उसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे। इसलिए तात शब्द यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए शिष्य के रूप में उसे तात कह रहे हैं। हे तात, आत्मकल्याण के लिए प्रवृत्त होने वाले की कोई दुर्गति नहीं होती है, न इस लोक में कोई विनाश होता है उसका, न परलोक में। एक चत्वारिंशत् श्लोक है। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते। इन अर्जुन के इन स्वाभाविक और ऐसी उत्कंठा थी ब्रह्म मार्ग में, भगवान कृष्ण ने उसका बहुत सुंदर समाधान किया कि प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषित्वा शाश्वती ही समा। हे अर्जुन, कि ऐसे व्यक्ति योग भ्रष्ट, उस योग से भ्रष्ट हुए साधक जो किसी कारण से योग से भ्रष्ट हो गए, वो क्या कहाँ जाएंगे। एक बार फिर से श्लोक का पारण करते हैं। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनं श्रीमतंगेः योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट, योग से जिनका मन विचलित हो गया, ऐसे साधक क्या करेंगे। पुण्यकृतम, पुण्यकृतम प्राप्य अर्थात पुण्यकर्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य, इस योग इस होने योग्य लोकों को प्राप्त होकर के, लोकान उषित्वा यदि लोकों को अर्थात पुण्यकर्मा लोगों को प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त होकर के क्या करेंगे। शुचीनाम श्रीमतम गे, शाश्वती समाह का तात्पर्य है बहुत समय तक रहने वाली, शाश्वत दीर्घकाल तक, बहुत वर्षों तक रह करके। शुचीनाम श्रीमतम गे, शुचि मन पवित्र, षष्ठी बहुवचन में श्रीमतम, शुद्ध और श्रीमान जो श्री से युक्त हैं, श्रीमंत शुद्ध और लक्ष्मी से युक्त, गेहे मन घरों में अभिजायते जन्म लेता है। ऐसी बात नहीं है कि वो भ्रष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, प्रवृत्त हुआ व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होता है। जिसने एक बार कर्मयोग में थोड़ी सी प्रवृत्ति की है वह योग भ्रष्ट, तुम जिसे योग भ्रष्ट समझते हो वह पुण्यकर्मा पुरुषों के प्राप्त होने वाले, वह सुदीर्घ काल तक रहने वाले उन पवित्र और श्रीमंतों के घर उत्पन्न होता है। कितनी महान बात है। अथवा योगिनामेव कुले, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अथवा एक तो ये बताया कि वो पुण्यवान उन लोगों के घर पर उत्पन्न होता है, अथवा क्या होता है, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम्, धीमताम योगिनाम कुले भवति। प्रयत्नपूर्वक जिसने अभ्यास किया है एक बार, ऐसे व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है देखते हैं। कि वैराग्यवान पुरुष जो है, धीमताम का तात्पर्य उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में पैदा होता है। धीमताम का बुद्धिमान, ऐसा योग भ्रष्ट जिसे तुम योग से नष्ट हुआ मानते हो, वह धीमताम योगिनाम कुले अर्थात बुद्धिमान योगियों के कुल में भवती पैदा होता है। एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, पर इस प्रकार जो इस यह जन्म लेता है, इस प्रकार कोई, ये तो दुर्लभ है, एकदम सुलभ नहीं है। यदि दृशम जन्म एतत् लोके दुर्लभतरम, किंतु इस प्रकार का जो जन्म है वह संसार में बहुत ही दुर्लभ होता है। कि जिसने योग पूरा नहीं किया और वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म ले लें, इसलिए यहाँ ये अगर कोई हो भी जाए तो दुर्लभ होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे कि तत्र तम बुद्धि संयोगम, उस बुद्धि संयोग को, संयोग को तत्र वहाँ, तम उसको बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग को
लभते प्राप्त कर लेता है। पौरुदेहिकम, पौरुदेहिक का तात्पर्य हुआ कि पहले के पूर्व में उत्पन्न, पहले के शरीरों में, पौरुदेहिक मतलब पहले जो उसने शरीर में संग्रह किए हैं, किए हुए, उस बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। और यथेच तयो ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, यततेच ततः भूय संसिद्धौ, और फिर वह उसके प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसिद्धौ सप्तमी एक वचन, उस परमात्मा की सिद्धि के लिए, भूय ततः भूय यतते, उससे भी ज़्यादा प्रयत्न करता है। पहले जो कसर रहेगी उसको यहाँ पूरी कर लेगा, ऐसा भाव है श्री कृष्ण का। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते यः वशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन, हे अर्जुन, पूर्व के अभ्यासों से, पूर्वज योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है, उसने जब पहले के अभ्यास कर रखा है, उस अभ्यास से तेनैव, उसके द्वारा, रियते यवशोपि, अर्थात उसने रियते यवशोपि का तात्पर्य है जिसने अवश, भले उसने अपने आप को वश में नहीं किया, अपने मन को वश में नहीं किया, योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति जिसने अपने मन को नहीं किया, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, ऐसा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु जो है, वह शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म को भी लांग जाता है, उसकी महिमा बताइए। अर्थात यहाँ पर इसके कई विद्वानों ने शब्द ब्रह्म की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। शब्द ब्रह्म को लांगने का अर्थ, कई लोगों ने इसको कहा है कि शब्द ब्रह्म को लांगने का तात्पर्य प्रकृति से भी बढ़ जाता है, ये अर्थ किया है। कई लोगों ने, कई विद्वानों ने कहा है कि वह सकाम कर्म को के फल को लांग जाता है, पूर्व के अभ्यास से, पहले के अभ्यास से, चाहे वह उसने योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी, चाहे वह अवश्य भी उसने अपने मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर भी पहले के अभ्यास के कारण ऐसा जिज्ञासु योग का साधक है, वह शब्द ब्रह्म को लांग जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम्। भगवान 45वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि प्रयत्नात् यतमानः, यतमान का तात्पर्य है प्रयत्नशील, यतमान जो प्रयत्नपूर्वक, जो अभ्यास करने का योगी है, जब अब निरंतर अभ्यासशील है, ऐसा संशुद्ध किल्बिष का मतलब पापों से शुद्ध होकर के, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म के मतलब अनेक जन्मों के संस्कार बल से, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से पुनः ततो याति पराम गति, इस जन्म में वह पूरी तरह से संशुद्ध किल्बिष होकर के, अर्थात पापों से रहित होकर के, ततः उसके बाद याति पराम गतिम, पराम गतिम याति, अर्थात परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ मुझे हरिवंश राय बच्चन की चार पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान, फिर नीर का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर ये भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके योग भ्रष्ट शब्द सुनते ही बहुत कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो निरंतर अभ्यासशील है, प्रयत्नशील है, वह अपने पिछले अनेक जन्मों के पुण्यों को संचय करता हुआ, पाप रहित होता हुआ, जो परम गति है उसको प्राप्त कर लेता है। पुनः श्री कृष्ण अर्जुन को 46वें श्लोक में कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्जुन भव बनो, हे अर्जुन तुम क्या बनो, योगी बनो, परम योगी बनो, उत्कट योगी बनो, क्योंकि तपस्विभ्य योगी अधिकः, तपस्वियों से योगी
अधिक श्रेष्ठ है, अधिक का तात्पर्य श्रेष्ठ है। तप करने वाले तपस्वियों की तुलना में जो कर्मयोगी है वो श्रेष्ठ है, भगवान के मत में होना भी चाहिए। ज्ञानीभ्यो भी मतो अधिक, और ज्ञानियों से भी वह अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा मत है मेरा। तपस्वियों से श्रेष्ठ है ही, लेकिन ज्ञानियों से भी, अर्थात शास्त्र ज्ञानी है, जो शास्त्र में जिनका बहुत अधिकार है वो शास्त्र ज्ञानी है, उनसे भी वह कर्मयोगी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। और कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, और भी जो कर्मी है, कर्मी का तात्पर्य यहाँ पर हमें लेना होगा सकाम कर्मी, जो फलेच्छा से काम में लगते हैं, करो फल की इच्छा, फल को ही ध्यान रखकर कर्म करने वाले सकाम कर्मी, कर्मी से आगे सकाम शब्द लगा लें, सकाम कर्मियों से भी वह योगी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम हे अर्जुन तुम वह योगी बनो, निष्काम कर्मों के समत्व योगी बनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मी बनने का संदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये 6 अध्याय हैं, यहाँ कर्मयोग का समापन हो रहा है। पहले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से यहाँ से भगवान ने प्रवचन देना शुरू किया था अर्जुन को आत्मतत्व की अमरता का। यहाँ से लेकर लगातार भगवान ने अर्जुन को कर्म की ही शिक्षा दी है। अतः ये कर्म का अंतिम श्लोक आएगा कर्मयोग का, जो 47वां है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्त तमोमतः। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्त तमोमतः। हे अर्जुन, समय युक्त तमोमतः, सह मे मतः युक्ततम, मेरे अनुसार वह युक्ततम है, योग से संपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन? देखो कि जो योगी, सर्वेषां योगिनां, सप्तमी भी होती है, षष्ठी भी होती है, सर्वेषु योगिषु, सभी योगियों में, सभी प्रकार के योगियों में जो मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान, सभी प्रकार के योगियों में जो श्रद्धालु है, अत्यधिक श्रद्धा संपन्न है, वह योगी मद्गतेन अंतरात्मना, मुझमें लगे हुए अंतरात्मा से, अर्थात मुझमें अंतरात्मा से जो मुझको निरंतर क्या करता है, भजते यो माम, जो मुझमें लगे हुए चित्त से, मुझमें लगे हुए मन से, यो माम भजते, जो मेरा भजन करता है, मुझे याद करता है निरंतर, समय युक्त तमोमतः, वह युक्त तम मे मतः, निश्चित ही मेरी मति में, मेरी दृष्टि से वह युक्ततम है, योग से संपन्न है। तम का मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ योग संपन्न है, अर्थात यहाँ पर जो योग की परम गति है उसको प्राप्त है, युक्ततम है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने आत्मसंयम योग के 47 श्लोकों में, जिसमें कुछ श्लोक अर्जुन की जिज्ञासाओं के निकालते हैं, तो लगभग 46 श्लोक में आत्मसंयम योग की महान शिक्षा दी है। यहाँ हमारा यह पारायण समाप्त होता है। भगवद गीता जीवन के हर समय पर हमें नवीन दृष्टि प्रदान करती है, जब जब पढ़ो एक नया विशेषण सामने आता है, कहीं पर भी इसका समापन नहीं है। जीवन के जिस पड़ाव में, उम्र में हम इसका व्याख्यान करें, गायन करें, अलग भाव निकल के आता है, यह निर्जरणी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए बंधुओं, अभी पुरुषोत्तम माह का आज अंतिम दिन है, हमने भगवद गीता के 6 अध्यायों, जिसको कर्मयोग कहते हैं, इन कर्म पुरुषार्थ के 6 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले श्लोकों का पारायण किया। उम्मीद है आपको या मेरा संस्कृत श्लोक गान अनुष्टुप में विशेषतः अच्छा लगा होगा। इस पर प्रवाह को आगे भी निरंतर बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ समय बाद, चूँकि अभी नवरात्रि पर्व आ रहा है, शक्ति की उपासना का पर्व आ रहा है, जिन जिन महानुभावों ने श्रद्धा से इसे श्रवण किया, श्लोकों को बोलने का आपने इस प्रक्रम को अच्छी तरह से, इसको कहते हैं जिसे अनुक्रमित, इसका अनुवर्तन किया, आप सभी को धन्यवाद।
इस प्रकार की आपकी इस प्रवृत्ति से मुझे भी थोड़ा सा प्रतिपुष्टि मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सनातन भक्ति प्रवाह में मेरे द्वारा जो भी कुछ पुष्प अर्पित किए जाएंगे उन्हें आप ग्रहण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।